अभिमंत्रित करके प्रदान कर रहा हूं, उनके लिए शुभ हो। हरि ओम। पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान भदोविवा या समरे पुंडरीकाक्षं सवाया भयंतर सुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु माम। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने। अद्वैत सब्राह्मण तृतीय पादे श्री सुहृद द्वारा कल्पे वैस मन मन मंत्रे अस्ताव सदितमे कलियुगे कलि प्रथम समये जन्मोदि अत्यह पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरस्तु। अत्यह भारद्वाज गोत्रोत्पन्नोऽहम् अद्यः राकेश सिंह नाम्नोऽहम् तस्य पिता यथा नाम्नोऽहम् माता दया देवी नाम्नीऽहम् सकल कामना सिद्धि कार्यकरणार्थं च आयु आरोग्य धन संपत्ति प्राप्ति निमित्त हेतवे केतु ग्रह शांति प्राप्ति निमित्त हेतवे केतु ग्रह देवता सुदृष्टि प्रदानत्वा कारणार्थं अद्यः तस्य अनुकूल फल प्राप्ति निमित्त हेतवे एतद् कैट्स आई नामक लहसुनिया रत्न अभिमुद्रित करिष्ये। हरि ओम नमः परमात्मने नमो नमः। ओम केतु ग्रह देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम नमः परमात्मने। अद्य केतु कवच स्तोत्र त्रम्बक ऋषि अनुष्टुप छंद केतुर्देवता कम बीजम नमः सति केतुरिति कीलकम केतु पित्यर्थे एतद् लहसुन्या रत्नाभिमन्त्रिते विनियोग। हरि ओम नमः परमात्मने। केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतु ध्वजाकार ग्रहेश्वरं चित्रवर्णं शिरः पातु भालं द्रुम समद्युति पातुं नेत्रे पिङ्गलाक्ष श्रुति मे रक्तलोचन ग्राणं पातु सुवर्णामि शिवकं सिंहासुत पातु कंठं च मे केतु स्कंदौ पातु ग्रहाधिप हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठ भुक्षि पातु महाग्रह सिंहासनपटि पातु मध्यं पातु सुरासुर पुरः पातु महाशीर्षो जानुनी मेति कोपन पातु पादो च मे पुरः सर्वांगहरपिङ्गल। यो इदं कवच दिव्यं सर्वरोग विनाशनम सर्वशत्रु विनाशम च धारणा द्विजदयी भवे। ओम केतवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम केतवे नमो नमः। ओम नमः पलास पुष्प संघासम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। पलास पुष्प संघासम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। पलास पुष्प संघासम तारकाग्रहमस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। ओम केतवे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रुं च 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 केतवे नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रवरंतकारी भामन सजीवं सुतोभस गुरुस शुक्रा समिराहु केतव सर्वेग्रह शांति करा भवन्तु नवग्रह शांति करा भवन्तु नमो नमः।
इस प्रकार अभिमंत्रित यह लहसुन या रत्न हमारे जातक के लिए शुभ हो, संपूर्ण फल को प्रदान करने वाला हो, धन धान्य को देने वाला हो, सुख शांति को देने वाला हो, केतु ग्रह के प्रभाव को समाप्त करने वाला हो। यह रत्न हमारे जातक जिस निमित्त पहने जा रहे हैं उनके लिए यह शुभ हो, मंगलकारी हो, यही आशीर्वाद के साथ में यहाँ से उनके लिए प्रदान करता हूँ। ओम शांति 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 सुख शांति भगवत।